त्रिशा, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अंजुसा जयसवाल व्लॉग्स। और आज का ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ आफ्टरनून से। सो आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह मॉर्निंग में ना बहुत ज्यादा भागा दौड़ी थी, तो मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट नहीं किया। अदरवाइज मुझे मॉर्निंग से व्लॉग स्टार्ट करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे खुद को फ्रेश फील होता है। सो चलिए कोई बात नहीं, अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ क्योंकि मेरे सर पे ना पूरा पसीना पसीना हो गया था। अब कहीं से भी आओ जाओ ना तो फिर ऐसे गर्मी लगती है गर्मी के दिनों में से, फिर मन करता है कि घर पे आके थोड़ी देर एसी में फैन के नीचे ऐसे बैठ जाए। और मैं ना बाल नहीं बांध सकती क्योंकि मुझे हेडेक हो जाता है। तो लोग बोलते हैं इतनी गर्मी में आप बाल क्यों खोले रखे हो, तो मुझे हेडेक हो जाता है। सो हेडेक से बेटर है कि मैं थोड़ा गर्मी सह लूँ। सो यस, चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अभी मुझे खाना बनाना है। सुबह कपड़े मैंने लगाए थे वो मुझे डालना है धूप में। धूप तो इतनी तेज है आप देख सकते हो कि कपड़े जो है एक घंटे में सूख जाएंगे। सो यस, लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। ओके गाइस, सो यहाँ पे ना मैं दालें डब्बों में डाल रही हूँ। अभी तक मैंने ग्रोसरी अरेंज नहीं की है। आई नो आई एम लिटिल लेट, बट क्या करूँ, टाइम नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले दाल निकाल लिया है क्योंकि दाल बिल्कुल ख़त्म हो गया था और दो दिन से हम रायता वगैरह बना रहे थे ना, तो उतनी ज़रूरत पड़ी नहीं। तो आज सबसे पहले मैंने दाल निकाल के डब्बे में भर लिया है। दाल चावल बना रही हूँ आज मैं और कुछ भी नहीं, क्योंकि टाइम हो गया है। रितविन को मैंने फ्रूट्स खिला दिया है तो अभी उसको भूख लगेगा नहीं, तो दाल चावल फटाफट से बना देती हूँ। ढाई बज जाएगा आई थिंक, अभी 1:40 लगभग हो गया है। तो दाल चावल में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है वैसे, और मेहनत भी नहीं लगती है। तो धुल के मैं चढ़ा दूंगी और साथ ही साथ ग्रॉसरी भी अरेंज कर दूंगी। आज मुझे करना ही करना है ये काम, और साथ ही साथ कपड़े भी डाल दूंगी। तो ये सब काम अपना चलता रहेगा और दाल चावल भी बन जाएगा, आई थिंक 2:30 बजे तक हो जाएगा। सो यहाँ पे ना दूध गिर गया था, सुबह उबाल रही थी ना मैं, तो दूध स्पिल हो गया था। तो मैंने सुबह क्लीन नहीं किया है, अभी सब कुछ हो जाएगा उसके बाद क्लीन कर दूंगी। सो यहाँ पे मैंने दाल चढ़ा दिया है और चलिए साथ ही साथ ग्रॉसरी भी अरेंज कर लेते हैं। मैंने टमाटर भी डाल दिया है हल्दी नमक के साथ, तो इस तरीके से बनाने से ना अच्छा दाल बनता है। बस मैं बाद में छौंका लगा दूंगी, दैट्स इट। थोड़ी सी गाढ़ी बना रही हूँ क्योंकि सब्जी कुछ नहीं बनेगा। सो यहाँ पे देखिए टमाटर वगैरह मैंने डाल दिया है। दाल को मैं चढ़ा दूंगी गैस में, उसके बाद चलिए कपड़े जो है मैंने धुले थे वो डाल देती हूँ सबसे पहले। यहाँ पे मैं आ गई हूँ कपड़े डालने के लिए। धूप बहुत ही ज़्यादा है तो मैक्सिमम 1 आवर में जो कपड़े सूख जाएंगे, क्योंकि वॉशिंग मशीन में ऑलरेडी सब पानी वगैरह निचोड़ गया रहता है और वॉशिंग मशीन के ऊपर थोड़ा सा मेस है, तो प्लीज़ अवॉइड करिएगा क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा यहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं। और रितविन को ना आजकल मैंने आदत लगवाई है कि वो नहा के खुद ही अपने कपड़े इधर ला के रखता है, तो वो थोड़ा सा इधर उधर रख देता है, तो वो मैं अभी ठीक कर लूँगी। तो चलिए सबसे पहले कपड़े डाल लेती हूँ और दाल चावल तो अपना बन ही रहा है, और उसके बाद आज जो मेरा मेन काम है वो ग्रॉसरी सब कुछ मुझे डब्बे में डालना है, तो आज वो काम निपटा लूँगी मैं फटाफट से। तो यहाँ पे जितने भी दालें आई थी मैक्सिमम ना वही बची हुई है, बाकी तो सब मैंने रख दिया था। तो फटाफट से मैं दालें रख देती हूँ, तो अरहर का दाल, मूंग दाल, उड़द दाल और चना दाल, यही सब है। और थोड़ा सा पहले से ही रखा हुआ था ना बीन्स वगैरह, तो वो सब भी अभी मैं अरेंज कर दूँगी। मैंने डब्बों में भर दिया है और जहाँ पे मेरा दाल वाला सेक्शन है उसे भी मैं थोड़ा क्लीन कर ले रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था। तो यही सब आज हो रहा है एंड साथ ही साथ दाल चावल भी अपना बन रहा है।
चावल भी ना मेरे बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, तो उसे भी मैंने यहाँ पे निकाल लिया है, और कुछ थोड़ा बहुत रह गया था तो उसे भी मैं यहाँ पे कर ले रही हूँ। एंड चलिए, तो सारा कचरा भी यहाँ पे जमा हो गया है, तो ये जो पेपर्स है ना, ये मैं गंदगी फेंकने के यूज़ में निकाल लूँगी। यहाँ पे दाल को मैंने मिर्ची और ज़ीरे हिंग से अच्छे से तड़का लगा लिया है, और साथ में थोड़ा सा चिप्स भी फ्राई कर ले रही हूँ, ये फ्रैम्स वगैरह। तो आज यही हमारा लंच है, सिंपल सा। और यहाँ पे रितविन देखिए छाछ बना रहा है, तो रितविन को ना मैं सभी एक्टिविटीज़ में थोड़ा सा इन्वॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, ताकि वो टीवी पे ही ना लगा रहे। जब तक मैं ये सब ग्रॉसरी अरेंज कर रही थी ना, तब तक वो टीवी देख रहा था, तो यहाँ पे मैंने टीवी बंद करा के उसे थोड़ा सा बोला है कि तुम छाछ बनाओ, तो वो बहुत खुश होकर आया कि मम्मी ने मुझे कुछ ऐसा काम दिया है। और ये सब चीज़ें बच्चों को कराना चाहिए ना, थोड़ा बहुत आदत रहेगा ना काम करने की, तो बड़े हो के बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, और जब भी मतलब बड़े होंगे तो अपने जो भी स्पाउस होंगे होगा उसका होगी उसकी, तो उसके भी हेल्प उसका भी हेल्प हो जाएगा, जैसे प्रिंस अभी मेरी हेल्प करते हैं। तो ये सब चीज़ें लड़कों को सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसे आजकल मैंने बहुत सारा काम दिया हुआ है, जैसे इस तरीके के नॉन कुकिंग वाले, नॉन हीटिंग वाले काम, फिर सोफ़ा ठीक करने का काम मैंने उसे दिया हुआ है, बॉटल फिल करने का काम मैंने उसे दिया हुआ है। तो रितविन छाछ के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि उसके एक्साइटमेंट में छाछ मेरे से गिर गया। सो यस, अगर अभी ये उससे गिरा होता तो मैं गुस्सा होती, बट अब मेरे से ही गिर गया है तो मैं क्या ही बोलूँ, है ना। तो बचपन में भी जब मुझसे कुछ गिरता था ना, तो मम्मी डांट लगाती थी, बट मम्मी से कुछ गिरता था तो मम्मी को कोई नहीं डांटता था, मतलब मम्मी फिर अरे तुम लोग की वजह से ही गिर गया ऐसे बोलती थी। तो मैं भी वही बोल रही हूँ, और वो सब सोच के मुझे याद आया कि यार मैं भी मम्मी की तरह रिएक्ट कर रही हूँ। तो चलिए छाछ बन गया है, और यहाँ पे रितविन ने चिप्स खाना भी स्टार्ट कर दिया है, तो जब उससे पहले कि वो सारा चिप्स खा जाए, हम लोग खाना खा लेते हैं। तो दाल चावल अचार और चिप्स, आज ये हमारा लंच है। ओके गाइस, तो लंच वगैरह करके मैं और रितविन दोनों थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, और अभी बज गया है 4:15। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी प्रिंस आ जाएंगे 4:30 बजे, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा पुआ वगैरह बना लूँ, मीठा कुछ खाने का मन कर रहा था प्रिंस को भी, और रितविन और मैं तो फूडी हैं ही। तो अभी 4:15 हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ बैटर बना के रख देती हूँ, जब तक वो आएंगे तब तक जो बैटर है वो भी रेडी हो जाएगा। तो पुआ का जो बैटर होता है ना, उसे आपको 3-4 घंटा आप जब तक नहीं रखोगे ना, तो अच्छा पुआ नहीं बनता है, बट अभी उतना टाइम तो है नहीं, तो अभी बना रही हूँ। और 4:30 बजे प्रिंस ऑफिस से निकलेंगे, तो उनको पहुँचते थोड़ी देर तो लगी जाएगी, तो तब तक सेट हो जाएगा फ्रेश होते होते। तो चलिए पुआ की तैयारी कर लेते हैं। ओके गाइस, तो पुआ बनाने के लिए मैंने एक बनाने को मैश कर लिया अच्छे से, थोड़ा सा पका हुआ बनाना हो ना तो अच्छा होता है। उसके बाद इसमें डालना है आटा या फिर मैदा, आपकी मर्जी है, चीनी या फिर गुड़ आपकी मर्जी है, थोड़ा सा सूजी, और फिर इलायची का पाउडर जो कि मस्ट है, और ड्राई कोकोनट को आप ऐसे डाइस करके डाल देना, बहुत ही टेस्टी लगता है। इससे हम दूध डाल के इसके अच्छा सा बैटर जो है वो रेडी कर लेंगे, और बैटर को आपको 3-4 घंटे रखना है। अगर उतना टाइम नहीं है तो आप 1 घंटे के लिए भी रख सकते हो, बट 3-4 घंटे रखने के बाद ना और अच्छा बनता है। सो यहाँ पे आपको बैटर को एक डालना है और वेट करना है, ये खुद ब खुद फूल जाता है, बिल्कुल भी आप इसे छेड़े ना, ये अपने आप अपना जो गोल शेप है वो ले लेता है। और उसके बाद सिक जाने के बाद आपको इसे प्रेस करके ऑयल निकाल देना है, ताकि ये फ्लैट हो जाए, और इसमें डालना है ठंडी ठंडी रबड़ी, मलाई, जो भी आप बोलो, और उसके बाद ऊपर से थोड़ा सा ड्राई फ्रूट स्प्रिंकल कर दीजिए, बहुत ही टेस्टी यम्मी लगता है। बच्चों के लिए बना सकते हो, बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगता है, तो आप एक बार जरूर ट्राई करना। और अगर आप ये बनाते हो रेगुलरली तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम मालपुआ, मालपुआ में हम चाशनी में भिगोते हैं, बट ये विदाउट चाशनी है। तो देखते हैं प्रिंस को कैसा लगता है, प्रिंस को पता नहीं था मैं ये बना रही हूँ, तो वो मार्केट से पुनु ग्लू लेके आ गए थे, तो यस देखते हैं इनका एक्सप्रेशन कैसा रहता है। सो इन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, मतलब आई थिंक मैंने ये नहीं बना के खिलाया इनको कभी। अभी नाश्ता वगैरह तो सब हम लोगों ने कर लिया है, मतलब अच्छे से शाम का नाश्ता। अभी चाय वगैरह हम नहीं पिए हैं, क्योंकि मीठे के साथ ना चाय अच्छी नहीं लगती है। तो अभी रितविन और प्रिंस दोनों जा रहे हैं पार्क खेलने के लिए। मैंने ड्रेस वगैरह नहीं चेंज किया, आप देख सकते हो जो पहन के सुबह से वो यही पहनी हुई हूँ, क्योंकि अभी मुझे जाना है आईब्रो बनाने के लिए। अगर मैं अभी चेंज कर लूँगी तो फिर मुझे आलस आ जाएगा, फिर कपड़े वगैरह चेंज करके करने का मन नहीं करेगा। तो मैं सोच रही हूँ बना लूँ आईब्रो, फिर आऊँ, और उसके बाद फिर नहा के घर के कपड़े पहनूं। आप देख सकते हो कितना ज्यादा मेरा आईब्रो जो है वो बढ़ गया, दिनों से मैंने नहीं बनवाया है। शादी में गई थी, अपने ननद की शादी में, तब मैंने बनवाया था, और ऐसे ही मैं कुछ सी ओकेजन पे ही बनवाती हूँ, नॉर्मली नहीं बनवाती हूँ। तो अभी मुझे एक
वीडियो भी शूट करना है, ब्रांड वीडियो है, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रेजेंटेबल दिखना ज़रूरी है, तो मैं सोच रही हूँ आईब्रो बना लेती हूँ। और आप आईब्रो बना लो ना तो आपका पूरा फेस अच्छा दिखने लगता है, ऐसा मुझे लगता है। सो चलिए, अभी ये लोग दोनों गए हैं पार्क, तो मैं जा रही हूँ पार्लर, घर के सामने ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, आईब्रो बनवाने के लिए। सो या लेट्स गो। ओके गाइस, तो दोनों लोग आ गए हैं वापस, और मैं ना आईब्रो बनाने गई ही नहीं, मतलब मैंने टीवी खोल दिया और उसके बाद फिर मैं देखने लग गई और मुझे मन ही नहीं किया। एक बार आप सोफा में बैठ जाओ ना तो फिर आलस जो है वो आपको जाने नहीं देता कहीं पे भी, तो देखते हैं अब फिर कम टाइम मिलता है। तो यहाँ पर मैंने चाय चढ़ा दिया है, और मुझे ना चाय पीने का बिल्कुल मन नहीं था, पुआ का जो टेस्ट था ना मेरे मुँह पर बहुत ही अच्छा लग रहा था। सो प्रिंस को मैंने नहीं बताया कि मैं नहीं चाय पीऊँगी, अगर मैं बता दूँगी तो फिर वो भी नहीं पियेंगे, और उनका बड़ा मन था पीने का, तो मैंने एक कप चाय बनाया है और फिर मैं बनाने के बाद बोलूँगी कि मुझे मन नहीं है, तो फिर वो पी लेंगे, क्योंकि उन्हें अकेले चाय पीना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यहाँ पे मैंने चाय और रस्क निकाल लिया है उनके लिए, इन्हें चाय दे देती हूँ। रितविन को भी मैंने दूध दे दिया था, और यहाँ पे ना कुछ कलर प्रॉब्लम हो गया, तो आपको ग्रीन ग्रीन कुछ दिख रहा होगा। ओके गाइस, सो मीशो से ना दो पार्सल आया, तो चलिए इसे खोल के देखते हैं। गाइस, सो मैंने खोल लिया है, और ये ना गुड वाइब्स ओनली लिखा हुआ मैंने ऑर्डर किया था, बट ये थोड़ा छोटा लग रहा है मुझे, मतलब या फिर ठीक ही है, गुड वाइब्स ओनली इस तरीके से ये दिखेगा, गुड वाइब्स ओनली। सो ये इस तरीके से है, ब्लैक पे ब्लैक आपको पता नहीं चल रहा होगा, तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से है, और पीछे इसके ना इस तरीके से डबल टेप लगा हुआ है, तो ठीक है। अकॉर्डिंग टू द प्राइस तो पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट फिनिशिंग अच्छी है इसकी। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट आया है ना वो मैंने ये वाला देखा था, वो मैंने ये किया है, तो ये मैंने किचन के लिए किया है, इसमें चिपकाने के लिए तो कुछ नहीं है, बट यहाँ पे हमें कुछ ऐसे कील वगैरह लगाना पड़ेगा, तो ये तीन आए हैं। और ये मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये छोटा छोटा आएगा, बट ये आया है बड़ा बड़ा, और इसे मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये बड़ा आएगा, बट ये आया है छोटा सा। और बाद मैंने कुछ फ्रिज मैग्नेट ऑर्डर किए थे, तो ये हैं वो, ये दो मैंने ऑर्डर किया था, तो एक में ये चार का पैक आया है और एक में ये पांच का पैक आया है। सो इसके पीछे इस तरीके से मैग्नेट लगा है, आप देख सकते हैं। सो यस, सो ये मुझे अच्छे लग रहे हैं। सूख गए थे, सो मैं यहाँ पे कपड़े वगैरह लेके आई हूँ, अभी इसे फोल्ड करूंगी। एंड मैं आईब्रो बनाने के लिए नहीं गई, थोड़ा सा मुझे आलस आने लगा, एक्चुअली इनका ऑफिस पार्टी है और मुझे याद नहीं था, इन्होंने बताया था बट मुझे याद नहीं था, तो ये अभी वहाँ चले गए हैं, और अगर मैं अभी जाऊँगी तो मुझे रितविन को लेके जाना पड़ेगा। और पार्लर के जस्ट बगल में ना एक मॉल है, मतलब खाने पीने का, ग्रॉसरी वगैरह का, तो वो मुझे वहाँ लेके ही जाएगा और अनासनाप चीज़ें खरीदेगा, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह, और फालतू की पैसे बर्बाद करेगा, क्योंकि उसकी आदत है, अगर वो उसके आसपास भी गया तो वो मॉल जरूर जाएगा, तो कोल्ड ड्रिंक, फिर आइसक्रीम, फिर अननेसेसरी चीज़ें खरीदेगा। सो मैं वो नहीं चाहती, क्योंकि अभी जस्ट हम डीमार्ट से बहुत सारी चीज़ें लेके आए हैं खाने के लिए। सो आज मैं नहीं जा रही हूँ, कल इनकी छुट्टी है तो ये घर पे रहेंगे, तो मैं शाम को देखूंगी या फिर सुबह ही देखूंगी, आईब्रो बनाने के लिए चली जाऊंगी। ये गए हैं पार्टी में, तो आज हम लोग खाना नहीं बनाएंगे, क्योंकि आज हम भी करेंगे पार्टी, तो हमने अभी पिज्ज़ा ऑर्डर किया है, आराम से देखेंगे टीवी मूवी। ओके गाइस, सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पूजा कर दिया है, शाम की जो पूजा होती है ना वो हो गई है, दिया जल रहा है यहाँ पे, और मैंने लगा दी है एक साउथ इंडियन मूवी। साउथ इंडियन मूवीज़ आर माय फेवरेट मूवीज़, एंड उसके बाद यहाँ पे हमारा पिज़्ज़ा भी आ गया है, सो वी आर इन्जॉइंग मूवी एंड पिज़्ज़ा टुगेदर। वीडियो को यहीं तक रखती हूँ, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।